हेलो गाइस, तो आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि मैं PUBG न्यू स्टेट के रिलेटेड छोटी से छोटी डिटेल, बड़े से बड़ी डिटेल, मोटी से मोटी डिटेल, सब चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो बहुत मज़ेदार रहेगा। अगर तुम PUBG न्यू स्टेट के लिए एक्साइटेड हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा वीडियो मज़ेदार लगने वाला है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगने वाला है। तो यार तकिया उठाओ, अपने सर के पीछे रखो और उसके साथ टेक लगा के वीडियो देखने के लिए बैठ जाओ क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं यार मैं इस वीडियो में तुम्हें क्या क्या बताने वाला हूँ, ताकि अगर तुम्हें लगे कि यह वीडियो तुम्हारे काम की है तो तभी इस वीडियो को देखना। अगर तुम्हें ये सुन के वीडियो लगे कि नहीं तुम्हारे काम की नहीं है तो तुम अभी कट सकते हो, कोई बात नहीं। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि गेम प्ले किस तरह से होने वाला है, कौन कौन से वेपन्स होने वाले हैं और जो जो चीज़ें रिसेंटली अनाउंस की गई हैं इसके अंदर। PUBG न्यू स्टेट के जो इवेंट हुआ था, लॉन्च इवेंट, उसके अंदर जो जो चीज़ें बताई गई हैं, फीचर्स PUBG न्यू स्टेट के, सब कुछ छोटे से छोटा फीचर भी तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तभी मैं कह रहा हूँ कि वीडियो लंबी होने वाली है, तीसरी बार कह चुका हूँ, बट कोई बात नहीं। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आए, सबको पता ही है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो यार चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार बात कर लेते हैं लॉन्च डेट की, सबको ही पता है बट ये बताना ज़रूरी है, कुछ बंदों को अभी भी पता नहीं होगा, क्या पता वो वीडियो मेरी सबसे पहले देखें तो कहेंगे भाई लॉन्च डेट तो बताई नहीं। तो ये PUBG न्यू स्टेट या खेलो क्राफ्टन की जो टीम है उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 2021 11 नवंबर को ग्लोबली लॉन्च होने वाली है ये गेम। 8 महीने लगाए बराबर टीज करते हुए इन्होंने कि अब आने वाली पूरे 8 मंथ उसके बाद इन्होंने डेट को रिवील किया और बहुत ही पास में है। तो दूसरी बात ये बता दूँ कि PC के लिए इसका कोई वर्जन नहीं आने वाला है, इमुलेटर्स भी इसमें नहीं खेल सकते हैं, इवन के आप एक्स्ट्रा एक्सटेंशन अपने मोबाइल डिवाइस के साथ फॉर एग्जांपल माउस या कीबोर्ड लगा के भी इस गेम को नहीं खेल सकते, वरना आप बैन हो जाओगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब बात कर लेते हैं यार कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें और इस गेम में मिलती हैं। एक छोटी से छोटी चीज़ जो तुम्हें जाननी बहुत ज़रूरी है वो तुम्हें उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात, प्री रजिस्टर नहीं किया है तो जाके प्री रजिस्टर कर लो क्योंकि इसकी प्री रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी हैं। 5 करोड़ प्री रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुकी हैं इस गेम की यहाँ पे, दोनों प्लेटफॉर्म्स को मिला के, iOS और एंड्रॉयड को मिला के। और टाइम का अभी तक नहीं पता है कि ये इतना पता है कि 11 नवंबर को होगी बट टाइम भी नहीं पता है किस टाइम पे लॉन्च होगी, तो कभी भी हो सकती है। तो प्लीज़ अगर टाइम जानना चाहते हो तो मेरे पास तो वो नहीं है, किसी और झूठी फर्जी यूट्यूबर के पास टाइम भी तुम्हें मिल रहा है तो देख लो। तो चलो यार सबसे पहले हम बात कर लेते हैं PUBG न्यू स्टेट की स्टोरी के बारे में, जो सबसे पहला मेन पॉइंट है, वो बाकी सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक बताई वो मैक्सिमम बंदों को पता ही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं PUBG न्यू स्टेट के पीछे स्टोरी क्या है। तो अगर तुम लोग PUBG के डाई हार्ड फैन हो तो तुम्हें पता होगा कि PUBG यूनिवर्स करके एक चीज़ होती है, उसमें PUBG की स्टोरी चलती है बैकग्राउंड में कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा बैटल ग्राउंड्स में। तो उसी तरह ये जो न्यू स्टेट है ये भी बैटल ग्राउंड का एक फ्यूचर वाला वर्जन है, ये स्टोरी लाइन पे ही बेस्ड है, PUBG जो स्टोरी लाइन है PUBG की उसी पे बेस्ड है। तो PUBG न्यू स्टेट ईयर 251 में बेस्ड गेम होने वाली है, मतलब इनकी स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग कि 2051 ईयर चल रहा है। और ये तुम लोगों को ये भी पता ही होगा क्योंकि ये पहले भी टीज कर चुकी है ये चीज़ PUBG। तो PUBG न्यू स्टेट का जो यूनिवर्स है, PUBG स्टेट न्यू स्टेट PUBG मोबाइल का जो यूनिवर्स है उसी के अंदर फॉल करती है, बट ये थोड़ा सा एवोल्यूशन है PUBG मोबाइल का, PUBG न्यू स्टेट। अब देखो इसमें हमें ये चांस मिलेगा स्टोरी लाइन में देखने का कि फ्यूचर में एक्चुअली होता क्या है, हमें फ्यूचरिस्टिक वेपन्स और गेम एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे PUBG न्यू स्टेट के अंदर, और उसके साथ साथ जो हमारे ट्रेडिशनल एलिमेंट्स हैं यानी कि जो PUBG मोबाइल के एलिमेंट्स हैं पुराने एलिमेंट्स, वो भी हमें न्यू स्टेट में देखने को मिलेंगे। तो जो PUBG न्यू स्टेट की स्टोरी है वो सेंटर यानी किसके अराउंड रिवॉल्व करती है, एक फिक्शियस टाउन है जिसका नाम इन्होंने ट्रॉय रखा हुआ है, और वो लैंसिंग जगह मिशिगन के बाहर प्लेस्ड है ट्रॉय टाउन। तो देखो तो ये एक नया मैप होने वाला है PUBG प्लेयर्स के लिए, और क्राफ्टन ने एक पूरी स्टोरी लाइन इसके लिए बिहाइंड द सीन्स में दिखा के रखी हुई है, आपको देखने को मिलेगी इस ट्रॉय के पीछे। तो थोड़ा सा मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इस स्टोरी लाइन में यह है कि एक सिविल सोसाइटी होती है, सिविल सोसाइटी ब्रोक डाउन हो जाती है 2 ग्रुप्स में, और आपस में 2 ग्रुप्स बन जाते हैं सिविल सोसाइटी में, और उसके बाद क्या होता है हंटर्स वहाँ पे आ जाते हैं, और जो ट्रॉय होता है वो यानी जो ट्रॉय हमारी जगह है जहाँ पे हम गेम खेलेंगे बेसिकली मैप है जो हमारा, वहाँ पे भाई हड़कंप हो जाता है, क्योस हो जाता है, और उसके बाद जहाँ पे प्लेयर्स एक दूसरे को पाते हैं वो होता है ट्रॉय, जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ बैटल करेंगे। तो अब ये नहीं सोचना कि तुम्हें वैसे ही स्टोरी लाइन में गेम खेलनी पड़ेगी, गेम ये बेसिकली बैटल ग्राउंड्स ही होंगे जैसे कि आप PUBG मोबाइल या BGMI खेलते हो, बस इसमें एक स्टोरी लाइन भी हमें प्रोवाइड कर दी गई है। और जैसा कि तुम लोगों को पता ही है
कि इस ट्रॉय मैप में तुम्हें फ्यूचरिस्टिक वेपन्स और व्हीकल चलाने को मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे फ्यूचरिस्टिक फीचर्स तुम्हें देखने को मिलेंगे जो तुम गेम खेलते टाइम यूज़ करने वाले हो। अब ये भी एक बैटल रॉयल की तरह डिज़ाइन किया गया गेम है, बट देखो उसमें तुम्हें कुछ एडिशनल गेम मोड्स भी देखने को मिलेंगे और गेम के अंदर कुछ ऐसे लिंक्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि तुम्हें पुराने पबजी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे पबजी न्यू स्टेट को, वो धीरे धीरे तुम्हें अपडेट्स के थ्रू गेम में देखने को मिल जाएगा। तो अब एक पूरा का पूरा रोड मैप यहाँ पे क्राफ्टन ने लेआउट करके रखा हुआ अपडेट्स के लिए। एक सीजन सिस्टम, जैसे कि तुम्हें पता ही होता है पबजी मोबाइल के अंदर भी एक सीजन सिस्टम होता है, उसके अंदर टीयर्स होंगे और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो रिलेट कर सकते हो तुम पबजी मोबाइल या BGMI के साथ। और दूसरा तुम्हें पता ही है कि गेम जो है स्क्वाड में तुम खेल सकते हो, सोलो भी खेल सकते हो, डुओ अभी तक यहाँ पे ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिला है, बट वो भी मे बी इन फ्यूचर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब हम करते हैं दूसरे पॉइंट की बात। देखो वीडियो 6 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है, तो अगर अभी तक टिके हुए हो वीडियो के साथ तो यार मतलब तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना और पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो है भाई ग्राफिक्स के बारे में, क्राफ्टन ने हमें क्या कहा है। तो यार ग्राफिक के बारे में बहुत सारी बातें की हैं क्राफ्टन ने कहा है कि इसमें हम नेक्स्ट जनरेशन ग्राफिक्स डाल रहे हैं, और उसके साथ साथ क्राफ्टन का ये भी कहना है कि हम मोबाइल गेमिंग की जो लिमिट्स है उसको हम पुश करने वाले हैं इस गेम के बाद, कि एक बेंचमार्क सेट कर देंगे ग्राफिक्स के लिए। क्राफ्टन तो ऐसा ही कह रहा है जी। और क्राफ्टन ने और कोशिश की है कि इसमें रेंडरिंग अच्छी की जाए गेम में और उसके साथ रियलिज्म और इंटेंसिटी भी गेम की बढ़ा दी जाए। और एक और चीज़ यहाँ पे क्राफ्टन ने अनाउंस किया या कह सकते हो कंफर्म किया है कि ये जो गेम है ये वल्कन मेटल और ओपन जीएल APIs के साथ कंपैटिबल होने वाली है, यानी कि एक वाइडर प्लेटफॉर्म पे ये गेम हमें देखने को मिलने वाला है। तो जैसे कि क्राफ्टन कह रहा है कि हमने इस गेम को ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक रखने की कोशिश की है, रियलिस्टिक बैटल रॉयल एक्सपीरियंस देने की कोशिश की है मोबाइल पे, और उनका ये कहना भी है कि हमने इस गेम को जो PC लेवल का गन गेम प्ले तुम्हें देखने को मिलता है PC पे, उसी तरह का गन गेम प्ले हम मोबाइल में भी प्रोवाइड करने की कोशिश की है। और इसी चीज़ को क्राफ्टन कहता है कि हम अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हैं मोबाइल गेमिंग की ये करने से। तो यार जब से कि मैं तुम्हें तो इसकी एक एग्जांपल देता रहता हूँ, क्राफ्टन ने भी एग्जांपल बताई थी हमें कि देखो इसका एक एक्सपेक्ट होगा कि जैसे कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट हमें देखने को मिलने वाला है पबजी न्यू स्टेट में, वो कैसे है कि देखो यार उन्होंने कहा है कि चीज़ें रियलिस्टिक करने के लिए हमने कुछ चीज़ में चीज़ें ऐड किया है, उनमें से एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे कि फायर हाइड्रेंट्स के ऊपर से अगर तुम चलोगे उसके बाद वो टूट जाएंगे और उसके बाद जो पानी होगा वो पूरी प्लेस पे फैलेगा। फायर हाइड्रेंट अगर तुम्हें नहीं पता है, वैसे पता ही होगा अगर तुमने GTA खेली है या तो तुमने मूवीज़ में भी देखे ही होंगे। और उसके साथ साथ जैसे कि तुम गाड़ियों के डोर्स भी तोड़ सकते हो उनके ऊपर शूट करके, ये भी हमें फीचर देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे रियलिस्टिक करने के लिए कोशिश की गई है कि जैसे यार कुछ ऐसे कवर्स होते हैं जिनके थ्रू भी तुम शूट कर सकते हो, और इसी तरह से बहुत सारे फीचर क्राफ्टन ने इंट्रोड्यूस किए हैं जिनसे गेम को और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने की क्राफ्टन ने कोशिश की है। देखो अभी तक फ्रेम रेट्स की बात की जाए तो क्राफ्टन ने अभी तक फ्रेम रेट्स के बारे में तो कुछ नहीं बताया कि हमें कितना मिलेगा, बट 60 तो देखो मिनिमम होता ही है, और उसके साथ साथ 120 हमारे पास अभी तक मैक्सिमम हो सकते हैं। अभी पर पूरा कंफर्म नहीं है कि हमें स्टार्टिंग में क्या देखने को मिलेगा, बट मेरा इंस्टिंक्ट जो कहता है कि हमें स्टार्टिंग में 60 FPS तक ही देखने को मिलने वाला है इस गेम में, या मे बी 90 भी देखने को मिल सकता है। क्राफ्टन ने और भी बहुत सारी बातें की कि हमने इनपुट लैग को रिड्यूस किया है, यानी कि आप कमांड देते हो और उसके बाद वो इंस्टेंटली अप्लाई हो जाती है ताकि गेम को और ज़्यादा रेस्पॉन्सिव बनाया जा सके, बट ये सारी चीज़ें हमें गेम खेलने के बाद ही पता चलेगा। क्राफ्टन तो अभी बहुत सारी बातें करेगा, ये तो हमें पता है, कोई भी अपना प्रोडक्ट की बुराई नहीं करता है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड एस्पेक्ट की तरफ, तो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहने वाली हैं। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे रहने वाली हैं एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए 2GB मिनिमम रैम, और वहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी थी सैमसंग गैलेक्सी S7 की क्राफ्टन ने अपने लॉन्च इवेंट में, तो उसका तुम कंपैरिजन देख लेना कि वो कौन सा एंड्रॉयड वर्जन पे चल रहा है। और अगर iOS की बात कर दी जाए तो iOS 6X और उसके बाद के सब iPhones पे ये गेम तुम्हें चलने को मिलेगा, मतलब खेल सकते हो तुम। अब वो नहीं कहा है अभी तक कि कौन सा डिवाइस बेस्ट रहेगा, बट सबको ही पता जो लेटेस्ट मोबाइल डिवाइस रहेगा iOS की तरफ से भी और एंड्रॉयड की तरफ से भी, उन पर यह गेम बहुत स्मूथली चलने वाला है। अब हम अपने फोर्थ पॉइंट के पास पहुंच चुके हैं, तो वो पॉइंट है भाई वेपन्स और कस्टमाइजेशन। इसमें तुम्हें वेपन्स की कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन मिलने वाला है पबजी न्यू स्टेट में, जैसे कि क्वाड मोबाइल में भी मिलता है, लेकिन क्वाड मोबाइल में होता है गनस्मिथ की तरह। इसमें तुम्हें उतना ज़्यादा वो क्या कहेंगे उसे छूट नहीं मिलेगी कि इतना ज़्यादा तुम वेपन कस्टमाइज़ कर सकते हो, बट इन कुछ सेंस में तुम वेपन कस्टमाइज़ कर सकते हो, और बस इतना ही नहीं होगा कि तुम खाली वेपन की जो लुक्स है उनको चेंज कर पाओ, नहीं उसके साथ साथ वेपन तुम्हारा कैसे बिहेव करेगा वो भी तुम अपने वेपन को कस्टमाइज़ करके चेंज कर सकते हो कि तुम्हारा वेपन किस तरह से बिहेव करेगा।
और वेपन्स कौन कौन से देखने को मिलेंगे, कुछ इनमें इंक्लूडेड नए इंक्लूडेड कर दिए जाएंगे वेपन्स न्यू स्टेट के अंदर, और पुराने वेपन्स तुम्हारे पास ट्रेडिशनल वेपन्स तो रहने ही वाले हैं। उसके साथ साथ क्राफ्टन का ये भी कहना है कि हम वेपन्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स देते रहेंगे, और कस्टमाइजेशन का तो मैंने तुम्हें पहले ही मेंशन कर दिया है। अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ पहुंच जाएं, तो देखो यार ड्रोन स्टोर्स और रेनफोर्समेंट भी तुम्हें इस गेम में दिखने वाले हैं। वो इसलिए दिखने वाले हैं देखो, क्योंकि फ्यूचर में ड्रोन जो हैं वो एक मेजर पार्ट होने वाला है, और उसी तरह से इन्होंने गेम में भी ड्रोन को एक मेजर वाइटल रोल प्ले करने को यहाँ पे अलाउ कर दिया। देखो ड्रोन्स का यूज़ करके तुम सप्लाईज भी मंगवा सकते हो, और उसके साथ साथ तुम एनिमीज के ऊपर नज़र भी रख सकते हो, उसको कहते हैं ये रकून ड्रोन, और उसके साथ साथ तुम ड्रोन का यूज़ करके बंदों को किल भी कर सकते हो। तो सबसे बड़ा जो ड्रोन का फीचर है वो जो मुझे पसंद आया तो वो है यार रीसप्लाई करना। एक ड्रोन है जो कि तुम्हें सप्लाईज प्रोवाइड करेगा, तुम्हें कुछ ड्रोन क्रेडिट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे गेम में, और उसके बाद मैप पे भी तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, और उसके बाद तुम एक रीसप्लाई ड्रोन मंगा सकते हो जो तुम्हारी चीज़ें जो जो तुम्हें डिज़ायर्ड चीज़ें वो तुम्हें ला के देगा। बट देखो अब यहाँ पे एक चीज़ है कि वो ड्रोन सिर्फ तुम ही नहीं देख सकते हो, और भी बंदे एनिमीज भी देख सकते हैं, तुम उस ड्रोन को डैमेज करके तुम्हारी लूट बीच में भी लूट सकते हैं, या वो उसको फॉलो करके तुम तक भी पहुंच सकते हैं। और जैसे कि रकून ड्रोन्स की मैंने बात की, तो वो उसका यूज़ करके तुम देख सकते हो कि कहीं पे क्या हो रहा है, आगे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आगे क्या क्या मूवमेंट हो रही है, सबके ऊपर तुम नज़र रख सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो यार ड्रोन्स अगर तुम्हें सप्लाई ला के देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एक पबजी फ्लेयर गन के लिए वॉइड क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि फ्लेयर गन जो ट्रेडिशनली हमें देखने को मिलती है BGMI या पबजी मोबाइल कह लो उसके अंदर, तो वो न्यू स्टेट के अंदर उसका कोई काम नहीं रह जाएगा, क्योंकि सप्लाई मंगाने के लिए तुम्हारे पास ऑलरेडी ड्रोन का फीचर है। तो इन्होंने फ्लेयर गन को रिप्लेस कर दिया एक ग्रीन फ्लेयर गन के साथ, जिसमें तुम एक काम कर सकते हो कि ग्रीन फ्लेयर गन को तुम जब तुम शूट करोगे तो तुम अपना जो टीममेट है जो मर चुका है स्क्वाड मेट उसको तुम वापस जिंदा कर सकते हो। ठीक है, अभी तक ये मुझे पता नहीं है कि फ्लेयर गन तुम्हें हर मैच में मिलेगा मिलेगा, मुझे लगता है ये ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई डिज़ायर्ड लोकेशन होगी, बस अगर तुम्हारी किस्मत है तो तुम्हें मिल जाएगा और तुम अपना टीममेट रिवाइव कर सकते हो, या शायद आई थिंक कि ये तुम्हें देखने को मिल सकता है मैप पे अच्छी तरह। अब उसका स्पॉन रेट क्या रहेगा वो अभी तक कन्फर्म नहीं है। और इसके बाद बात करते हैं यार PUBG न्यू स्टेट का जो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा मुझे लगता है फीचर, वो है भाई कि तुम एनिमी टीम का जो स्क्वाड मेट है उसको रिवाइव करके अपनी टीम में ला सकते हो। ये मुझे सबसे बेस्ट कह सकते हो, मतलब मैं इसकी कितनी तारीफ करूँ, मुझे ये फीचर बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें इसका सिनेरियो बताता हूँ क्या होने वाला है, कि तुमने एनिमी टीम का एक बंदा नॉक कर दिया, उसके बाद तुम उसको चाहो तो रिवाइव करके अपने स्क्वाड में भी ले सकते हो वो, बट उसकी चॉइस रहेगी कि वो तुम्हारे स्क्वाड ज्वाइन करना चाहता है या मरना चाहता है, तो वो उसकी चॉइस के बिना वो चीज़ नहीं होने वाली है। तो एक और चीज़ इसमें है, तुम्हें याद रखने की ये ज़रूरत है कि तुम्हारे स्क्वाड में जब तक एक स्पेस ना हो तब तक तुम किसी भी टीममेट को अपने स्क्वाड में नहीं ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम चार बंदे ऑलरेडी अलाइव हो और तुम किसी और को रिक्रूट करने की कोशिश करो, वैसा नहीं होगा। तुम अगर फॉर एग्जांपल तीन बचे हो, दो बचे हो, या तुम अकेले बचे हो, तो तुम ट्राई कर सकते हो उस स्क्वाड मेंबर को, अपोजिट स्क्वाड के मेंबर को अपने स्क्वाड में लाने का। तो यार अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है नए व्हीकल्स तुम्हें कौन कौन से देखने को मिलेंगे। बट उस पॉइंट से पहले एक और चीज़ बताऊँगा, अगर सच में अभी तक वीडियो के साथ टिके हो, 13 मिनट से ऊपर की वीडियो हो चुकी है, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना और चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। तो कुछ यहाँ पे हमें व्हीकल्स पुराने भी देखने को मिलेंगे, जो पबजी मोबाइल या बीजे में कुछ भी को वहाँ से तुम्हें देखने को मिलने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे इस पे इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स देखने को मिलने वाली हैं पबजी न्यू स्टेट के अंदर। और उसके साथ साथ एक और फीचर यहाँ पे दिया गया है, देखो उनकी स्पीड तो ज़्यादा होने वाली है ट्रेडिशनल गाड़ियों से, बट उनके अंदर जो बैटरीज लगी हुई हैं, तो जब तुम ब्लू जोन के अंदर बाहर फंसे हो गए, बाहर हो गए जोन के, ब्लू जोन के अंदर तुम फंसे हो, तो वहाँ पे जो वो गाड़ियाँ होंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी उनकी जो बैटरीज हैं वो जल्दी ड्रेन करेंगी, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि जो ब्लू शील्ड होता है, ब्लू जोन होता है, वो एक इलेक्ट्रिकल शील्ड होती है, तो वहाँ वो बैटरीज के ऊपर डैमेज करेगा और तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक कार्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज होंगी वो ज़्यादा जल्दी डिप्लीट होंगी। इसके साथ साथ गाड़ियों के अंदर एक और बहुत ही मस्त फीचर दे दिया गया है कि वहाँ पे ट्रंक्स होंगे कार्स के अंदर, यानी डिक्की जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो वो यहाँ पे अवेलेबल कर दिए गए हैं गाड़ियों के अंदर, जिसके अंदर तुम एडिशनल वेपन्स कैरी कर सकते हो अपनी गाड़ियों के अंदर। तो भाई ये भी बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हो यार एडवांसमेंट और फ्यूचरिस्टिक फीचर इसमें दे दिया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैप्स के बारे में। तो मैप्स में देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें ट्रॉय देखने को मिलेगा, सबको पता है, इरेंगल देखने को मिलेगा। इरेंगल की थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ तुम्हें मैं। इरेंगल का ये है कि पास्ट में जो BGMI और
पबजी मोबाइल में हमें रैंगल देखने को मिलता है तो वो वहाँ पे बिल्कुल इंटैक्ट है, वो वहाँ पे प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट स्टोरी लाइन चल रही है उसकी। पर जब हम न्यू स्टेट में एंटर करेंगे यानी कि वो पास्ट की चीज़ हो जाएगी और उसमें रैंगल थोड़ा डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, रैंगल हमारा थोड़ा टूटा फूटा हमें देखने को मिलेगा क्योंकि उसमें बहुत सारी फाइट्स हो चुकी है, तो इतनी फाइट्स की वजह से वो रैंगल थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव हो चुका है, थोड़ा सा डैमेज हो चुका है। इसी तरह से हमें थोड़ा सा रैंगल में हेर फेर देखने को मिलेगा और बाकी कुछ नहीं देखने को मिलेगा, बाकी रैंगल डिटो सेम का सेम रहने वाला है। उसके बाद हमें थर्ड मैप देखने को मिलेगा स्टेशन, जो कि टीम डेथ मैच रहने वाला है यानी TDM, और चौथा ट्रेनिंग ग्राउंड। स्टार्टिंग में हमें यही चार मैप देखने को मिलने वाले हैं और इन फ्यूचर अपडेट्स के साथ ये बढ़ते जाएंगे। अब थोड़ी सी बात यार ट्रॉय की भी कर लेते हैं, एरेंगल की कर दी। तो ट्रॉय देखो 8x8 किलोमीटर का मैप होने वाला है, सेम एरेंगल के जैसे ही होने वाला है, जितना साइज एरेंगल का उतना ही, तो ये भी एक बड़ा मैप होने वाला है। तो देखो एक बड़ा मैप ज़रूरी होता है गेम में, छोटे मैप्स उतने भी नहीं, बट क्योंकि ट्रॉय हमारे पास ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए एक बड़ा मैप रहेगा, ट्रॉय एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें रहने वाली हैं। ट्रॉय में हमें शॉपिंग मॉल देखने को मिलेंगे, स्टेडियम देखने को मिलेगा, ब्रिजेस देखने को मिलेंगे, बहुत सारे घर देखने को मिलेंगे और 10 लैंडमार्क्स भी देखने को मिलेंगे जिनको अलग अलग जगह पे मैप में बनाया गया है। और एरेंगल के बारे में एक और पॉइंट बताना भूल गया था कि उसमें तुम्हें बहुत सारे यार खंडर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने तुम्हें बताया ड्यू टू फाइट्स एरेंगल वैसा हो जाएगा। और उनका कहने वाला है कि ये क्राफ्टन का कहने का मतलब यह है कि धीरे धीरे अपडेट्स के साथ हम उस एरेंगल को और ज़्यादा डैमेज करते जाएंगे और ज़्यादा चेंज करते जाएंगे ताकि वो वाला एरेंगल मैप पबजी न्यू स्टेट का बिल्कुल डिफरेंट एरेंगल बन जाए। ऐसा नहीं कि वो दोनों गेम्स को सेम मैप प्रोवाइड करेंगे, इसमें थोड़ा टाइम के साथ साथ जैसे कि फ्यूचर में पबजी न्यू स्टेट प्लेस की गई है स्टोरी लाइन में, तो यानी आप जितने गेम खेलते जाएंगे जितना टाइम स्पेंड होता जाएगा तो वो एरेंगल मैप ड्यू टू फाइट्स और ज़्यादा डैमेज होता जाएगा। तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो उसमें है हमारे सीजन्स। तो देखो एक पहले होगा हमारे पास प्री सीजन स्टार्ट, उसके बाद हमें देखने को मिलेगा इसमें 8-tier सिस्टम, और उसके साथ साथ जैसे ही सीज़न एंड होता है उसके कुछ टूर्नामेंट्स भी हमें इसमें देखने को मिलेंगे। तो जिस टाइम गेम लॉन्च होगी तो हमें देखने को मिलने वाला है भाई प्री सीजन प्लेइंग पीरियड, ठीक है। उसमें जैसे ही गेम लॉन्च होगी तो हमें एक प्री सीजन प्लेइंग पीरियड देखने को मिलेगा। तो हर सीज़न यहाँ पे 2 मंथ के लिए रहने वाला है पबजी न्यू स्टेट में, उसके बाद हमारी रेटिंग्स फिर से रिड्यूस हो जाएगी और फिर से हमें दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये यूजुअल पबजी एक्सपीरियंस है। और क्राफ्टन ने यहाँ पे ये भी कहा है कि जैसे सीज़न एंड होगा उसके बाद जो टॉप टीयर प्लेयर्स होंगे उनको एक टूर्नामेंट खेलने का मौका मिलेगा और बड़े रिवॉर्ड्स जीतने का मौका मिलेगा। अभी तक ये नहीं कहा गया है कि ये रिवॉर्ड्स क्या क्या होने वाले हैं, बट मेरे हिसाब से यार ये रिवॉर्ड्स तो इन गेम जो आइटम्स होती हैं वही रहने वाली हैं और कुछ नहीं रहने वाला है। तो यार यही था आज की वीडियो में, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, एक छोटे से सुई के पॉइंट से लेकर एक बड़े से बड़ा हाथी जितना पॉइंट भी तुम्हें इस वीडियो में पबजी न्यू स्टेट के रिगार्डिंग कवर कर दिया है। तो आई होप कि तुम्हें सारी डिटेल्स सारी कन्फ्यूजन पबजी न्यू स्टेट के लिए क्लियर हो चुके होंगे, बट अगर फिर भी कोई है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं तुम्हें इस कमेंट सेक्शन में बताने को हमेशा रेडी रहूँगा, या अगर वीडियो बनानी पड़ी उस पॉइंट पे तो मैं तुम्हें वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो यार अगर तुम अभी तक इस वीडियो के साथ बने हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो यार हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।